ta kisi yo khunsu ki ma bopal ne sanchi le la train ju na ani train station kharish no train station di di re khunsu ki sanchi ki train station di di re an del ka re an de train station di ne chu li ra de dam del sri lanka mahabodhi society wantana niketan sanchi le sto on di kharish na ngo ki ta dharmshala ta duresha अनि रुम दिस खोंग खेउ रिस र अन दन आ गन्सु इम बना रुम चिक लगुम चिक तो रिस अन दिन इम पिन ति नालो ला बेड बेड दुस तु र नेरि दुस तु अनि गुम चिक तो ना टिके रस तो र अन दे गेट दिस रेलवे स्टेशन दे छ तिन मा खप तु इम र तिगारा ल दे बिल्डिंग स्टो ति बिल्डिंग स्टो ओ दिस तिगारा ना ल खंग ब तु र खंग ब दिगा ना दु अन दे ने खप तु तेनिया खप तो ड्रो ना अनि जेसा दिल्ली दुरो अंदा टेंपल स्टो हो दे तेनिया ली दु अंदा अंदा छोड़ दें ता सांची की स्टूप दी तेनिया खप तो ड्रो रेशा तेने ये कर तेरे बात रे दोस्त हाँ चलना ओके वे थैंक यू मोर मोदे मोर मोर दे ओरे पता ता सिंगन जे ने तो हरदी दे दे ऐसा सा बोगे रे से दे दे छु जे बन जे गा से गा से छोलो को ना या सा गांग म तंग से दो मे छु नी पूरा बन जे ने गोंग जी आ गोंग जी में हो ना छे रंग से इंगे हम हम तो बोल ता दे रे से शगा बुगा ओदे हम हम तो दो करा दे कर हम तो हो दो आ बेल्जियम फ्रांस अमृत मारे खोशिम की तंबू था खोशिम तो मारे छाम रहा होता है हाँ आप काम भी पाल में हेलो गाइस सो दिस इज तंजिन ऑन द योर हाउस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो तंजिन गो छंग लोटसले थथरी न ख्वाली न सांची ल की नेको की अनि नेचे स सजेस तुर अनि होन दिल्ली यु अनि द सांची दि गजीता अनि की खेसी ट्रेन नल ड्रो न अनि ट्रेन के रजिस्ट्रेशन खरस न भोपाल रिशा अनि भोपाल ने यंगु चिक द चेकास ट्रेन यंगु चिक जुनी लोकल ट्रेन जुन चिक द चेकास रिशा अनि गुमसुम रिशा ट्रेन टिकट रहा तो टैक्सी ना दु कम सुमदों लेंस रहा भोपाल ने सांची बदो हिम पर तंजू की होटल दे सज रहा खुजु की खालस लाओना तीस खोंग छे ले रे सो खोंग तेवा खाज लीदों सुगे रे लसो खेज भोपाल ने सांची ना टैक्सी ना लेना ये नवा ना ले अच्छी खुजु की लाना गुमु खोंग छे टा रे लसरा थी पानी की सुमदों टे रे प्राइस रियल उन्हें फाइस निगे लागो लसवा अनी सांची ले सो अनी सांची की नालो छोड़ते जगह सूच तू हों नालो जगह सूच है खाते तो चुम सच तुम चरा किसी टेसी गेंगे तो सांची को टेसी गेंगे ती सा चिंबना रेव सूनिया सांची की टेसी तुरु सिंह क्या छिल सूच रहा अनी तदी तंदा सांची की ने दी चाचंबुश छाई दुरा तंदा नेक्स्ट की वीडियो दी नालो खाओ जो ला तंदा सांची ने जे सही जे ला अनि तंदा डेली ने चुजु टू चीजों की सजेस्ट
sangisa la sa sa shtu hon de jaga dwe che ani ngi ki number so ngi ki ya next sangisa gi ne de khande do chi mi dwe che ani number so ye channel na thema thambo pe ngi ban na an subscribe chu chi like chu chi an share chu chi ta de ge information thang shu de khar che la na ta kisi khun zu gi yo ne go yung du ta zu gi sang pare da en de ji gi ni de san chi la li gi yo na san chi ta sang pare gi sang da en de kin li yo na an de sang di de la par chho mu du ra ani khalna de khunsu gi pyo gyaji pyo jo ondi ma dunda sang pare da ri khigosh mi du ende che par chho mu dura ani back khura yo ta phani chu ya de la back ma mu kin le ne ni jam du back de injim ste chu dura ta back chu ju ski na utang gi sar shimba na mu tang du back sama chulo sha du ta gi ki san chi gi da ani tiger to sa di wala to dura de tiger to sa di marsha tiger to sa di marsha टिकट तो सा वाला दुरा वाला गुमा खातिर गुम शिपचू शिपचू टिकट मिचिल गुम शिपचू शा किसी क्यों की छिगे की मी पास होते हो ना अनि गुम चुकिया छे दू क्या के क्या एने छे दू अनि गुम शिपचू मातो टेम दू ती टिकट की प्राइस दी छे हम दे ले दोस्त दे ᱛᱟᱛᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱣᱱᱟ ᱟᱱᱡᱩᱜᱤ ᱥᱟᱝᱫᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤᱭᱩᱨᱟ ᱥᱟᱝᱯᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱤᱭᱩᱨᱮ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱯᱮᱱᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱟᱝᱯᱟᱨ ᱥᱚᱢ ᱢᱩᱫᱩ ᱟᱱᱡᱩ ᱯᱮᱪᱤ ᱢᱟᱫᱩ ᱯᱟᱨ ᱥᱚᱢ ᱫᱚᱨᱟ ᱟᱱᱫᱮ ᱯᱮ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱯᱟᱨ ᱥᱤᱢᱵᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱥᱟ ᱛᱟᱫᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱜᱤ ᱫᱮᱥᱮ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱥᱴᱤᱥᱨᱚ ᱛᱟᱠᱱᱫᱚ ᱯᱟᱯᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱝᱫᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱛᱷᱚᱝᱫᱟ ᱦᱚᱸᱫᱤ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱥᱚᱭ ᱥᱟᱨᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱩᱫᱤᱢᱵᱟᱱᱤ ᱥᱩᱜᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨ ᱦᱚᱫᱩᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱦᱚᱸᱫᱤ ᱥᱚᱫᱤ ᱜᱤ ᱛᱩᱭᱮ ᱪᱩᱫᱤ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱞᱟᱛᱮ ᱢᱟᱫᱷᱚᱢ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱟᱱᱤ ᱴᱮᱥᱤ ᱮᱞᱮ ᱥᱩᱥᱚ ᱦᱚᱢᱮᱨᱟ ᱛᱟᱭᱯᱟᱱᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ
Bhopal la saje de la pepa chong gi mbu yisare de da ma tu de la pepa ji phosa ma bu ste kap tu teso pepa pu ma bu ste kap tu teso ani konso Bhopal gi chong gi sane de ya le le do बुला लीजिए सभी लोग तो चलिए हम बात करते हैं हम बात करते हैं स्तूप होते क्या हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं स्तूप श्रीलंका में बने हुए हैं कैंडी में जहाँ पे भगवान बुद्ध दांत रखे हुए हैं उत्तर प्रदेश में स्तूप है सारनाथ में जहाँ पे भगवान बुद्ध बाल रखे हुए हैं तो उसी प्रकार सम्राट अशोक ने जो की आज से 200-300 साल पहले भगवान बुद्ध की अस्थि को रखकर अशोक ने एक छोटे रूप में एक स्तूप बनवाया था जो की मिट्टी से ईटों से बना हुआ जिससे हम कहते हैं टेराकोटा स्तूप मीन्स समाधि स्तूप मीन्स शांति का प्रतीक अशोक एक 100 साल के बाद जब राजवंश से जब राजा जब भाई बुद्ध पुष्य मित्र सुंग के जो लड़के थे अग्नि मित्र सुंग तो अग्नि मित्र सुंग ने अशोक के स्तूप को उन्हें कवर करके उन्हें सेकंड सेंचुरी बीसी में उन्हें से बड़े पैमाना डोम आर्किटेक्चर रूप में हम जो स्तूप देखें एक्चुअली 2200 साल प्राचीन स्तूप को हम देख रहे हैं अशोक ने जो स्तूप बनवाए जो की 2300 साल प्राचीन जो की अंदर एक कवर है और गेट बने कब 100 BC मतलब 2100 साल पहले जब 2100 साल पहले पहले जब आए आंध्र प्रदेश के जो सातवाहन वंश जब राजा जब आए गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि राजा सतकर्णी फर्स्ट सेंचुरी बीसी में गेट वे ऑफ तोरण जैसे तोरण द्वार जो कि अलग दिशाओं में गेट बने देख रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन चारों गेट में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पूरी की पूरी स्टोरिया बताई गई है पर आज से 2000 साल पहले उस जमाने हमारे समाज में पूरी लाइफ स्टाइल्स सोसाइटी टोटल इक्वलिटी थी तो 100 BC मतलब 2000 साल पहले उस जमाने गर्ल्स भी शेरों मतलब गर्ल्स एलिफेंट राइडिंग कर रही है एलिफेंट राइडिंग कर रही है वहाँ पे तेरे मेल भी एलिफेंट राइडिंग कर रहे हैं फिर वो टॉप पे गर्ल्स भी हॉर्स राइडिंग कर रही है देख रहे पे अब यहाँ पे देखते आई इस तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड जो बहुत सारी जो लेडीज खड़ी हुई है इस साल के पेड़ों के ऊपर खड़ी हुई है जिस साल भंजिका इस साल भंजिका बताई गई है और इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स है जो साल भंजिका पेड़ों पर खड़ी हुई है इसके अलावा इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स है जो कि ये यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देख रहे हैं भगवान बुद्ध के पैर बताए गए थे ना मैम तो गौतम बुद्ध पैरों पर नेचुरल चक्र बने हुए थे तो जिनके पैरों पर तो चक्र जो होते उनका जीवन ये जब स्थिर नहीं रहते मीन्स हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो गौतम बुद्ध जो कि अलग अलग पेड़ों के नीचे अलग नदियों किनारे बैठ कर ध्यान किया करते बुद्ध को फाइनली इनलाइटमेंट हुआ था बौद्ध गए पीपल के पेड़ों के नीचे तो पीपल ट्री बोलते बॉडी ट्री बॉडी मीन्स नॉलेज है ना देर बुद्ध पैर बता कभी बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था बौद्ध गए पीपल के पेड़ों के नीचे पीपल ट्री बोलते बॉडी ट्री बॉडी मीन्स नॉलेज और विदिशा जो शिल्पकार थे विदिशा यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है विदिशा जो कलाकार जो कि हाथी के दांतों से चूड़ी माला कंगन बनाया करते थे तो उन्हीं कलाकार देख रहे उन्हें पूरी पूरी ज्वेलरी आइटम्स दिखाने की कोशिश की गई देख रहे हर एक डिजाइन जो कि अलग अलग फॉर्म में डिजाइन बताई गई है अब यहाँ पे है ना देख रहे हैं पूरे पूरे माउंटेन बने हुए हैं पहाड़ों से पानी गिर रहे हैं पानी जो कि नदी की ओर भी बहते जा रहे गर्ल्स भी वाइल्ड लाइफ सफारी कर रही थी तो सारी देख रहे लोग आपस में लोग इस तरीके से लोग आपस में प्रेम किया करते थे मीन्स देख रहे एक तरह से जीवन शैली को देखे सीन्स ऑफ द एंजॉयमेंट एक तरह से पूरी पूरी लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है तो देखे बुद्ध साहिब के समय जो राजा श्रावस्ती के राजा श्रावस्ती के राजा का नाम था राजा प्रसन्नजीत जो कि राजा प्रसन्नजीत जो कि घोड़ों पर बैठे हुए हैं देखे इनकी पूरी पूरी रॉयल फैमिली भी बताया कि रानियां दासियां थी महलों के अंदर से बालकनी से खिड़कियों से झरोकों से माला के फूलों की वर्षा की जा रही क्योंकि राजा यात्रा की ओर जा रहे बौद्ध गया बौद्ध टी के दर्शन करने के लिए कभी अब अजंता गुफा में जाओ तो वहाँ मैंने चैत्य लेते ना पे क्योंकि सारे जो बुद्ध जो मॉन्क्स संत सन्यासी जिनके हाथ जुड़े हुए लोग प्रार्थना कर रहे हैं कभी जाओ श्रावस्ती में जाओ तो आज भी वहाँ पर मॉन्स्ट्री बनी हुई है गौतम बुद्ध इन मॉन्स्ट्री में बैठ कर बुद्ध जी की ठंड गर्मी बारिश में अलग अलग मौसम में बुद्ध इन मॉन्स्ट्री में बैठ कर वो ध्यान किया करते थे लेकिन मॉन्स्ट्री के जो नाम थे मलगुन कुटी गंध कुटी
वो शाम भी कुटी है ना, ये आई इस तरफ। अब यहाँ पे अब जैसे कि हम यहाँ पे हम देखते हैं, मतलब जैसे बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था पीपल के पेड़ों के नीचे, तो पीपल ट्री का बोलते बौद्ध ट्री। जैसे बौद्ध धर्म इनकी ब्रांचेस भी अलग अलग होती है, जैसे हीनयान, हीनयान जी की बुद्ध के लोग सिंबॉलिक पूजा करते हैं, बुद्ध की बौद्ध ट्री की, बुद्ध की लोटस की, बुद्ध की स्तूप की, और महायान में लोग मूर्ति बनाकर लोग पूजा करते हैं। ठीक है, ब्रांच आती है जी की बौद्ध धर्म धर्म में जी की वज्रयान, जैसे कभी आप जाओगे लेह लद्दाख सिक्किम गंगटोक नेपाल भूटान में जाओगे तो आज भी वहाँ पे लोग तांत्रिक क्रिया के द्वारा लोग बौद्ध धर्म में लोग पूजा पाठ करते हैं। तो बुद्ध को सिंबॉलिक बताया गया है, ये बौद्ध ट्री रिप्रेजेंट करे भगवान बुद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो गौतम बुद्ध जो कपिल वस्तु में जब टीचिंग दे रहे थे, फिर बुद्ध की टीचिंग को बड़े ध्यान से सभी लोगों की टीचिंग को सुन रहे हैं, पर उस समय कुछ स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देते थे, जो कि आपस में भी बातचीत कर रहे थे, बैक बेंचर्स आना फुस लेकर गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध घोड़े के नाम से कंठक, उनके सारथी के नाम से छन्न, देख रहे हैं उनकी पूरी पूरी रॉयल फैमिली भी, बताइए रॉयल प्रोसेशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सी ऑन द टॉप, मतलब आज से 2300 साल पहले भी उस जमाने हमारे भी ग्रीक से भी लोग आ चुके थे। जो सेल्यूकस निकेटर की जो लड़की थी हेलेना, हेलेना की शादी जब चंद्र तो मौर्य के साथ हुई थी, जो कि भारत और ग्रीक के एक रिलेशनशिप संबंध बन चुके थे। तो जमाने हमारे भी ग्रीक से भी लोग आज भी देखे बालों के हेयर स्टाइल, तो कल्ली हेयर स्टाइल, लॉन्ग बूट पहने हुए, लॉन्ग स्कर्ट पहने हुए, कैप पहने, जो कि म्यूजिक बजाते हुए ग्रीक किलों के द्वारा भी लोग कुशीनगर की स्तूप के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये स्टोरी बताइए वैशाली, वैशाली का बिहार, जो कि गौतम बुद्ध एक संत थे, एक सन्यासी थे, एक मंकी जाते फॉरेस्ट के बुद्ध बॉल से हनी ऑफरिंग कर रहे हैं, और बाजू ने मंकी डांस कर रहे हैं, ऑब्वियसली डांस कर बंदरों के हाथों से बुद्ध हनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जो फादर का नाम था राजा सुद्धोधन, बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, उनके जो लड़के राहुल, और बुद्ध की वाइफ यशोधरा, जो कि भी बहुत मच के भी बॉडी ट्री के दर्शन कर रहे हैं। देखिए स्वर्ग से एंजल्स भी आ रही है, एंजल्स के द्वारा जो कि बॉडी ट्री की प्रार्थना की जा रही है। फिर देख रहे हैं द्वारपाल, द्वारपाल टर्बन पहने हुए, देख पगड़ी पहने हुए, नेकलेस पहने हुए, लॉन्ग धोती पहने, जो कि हाथों जो कमल के फूलों को रखे, जो कि राइट एंड लेफ्ट साइड मोस्ट वेलकम को रिप्रेजेंट करते, मोस्ट वेलकम आई इस तरह। तो बुद्ध समय कौन सी भाषा थी, लैंग्वेज लिपि ब्राह्मी, पाली में से पढ़ते पाली भाषा। जब लोगों ने आज से 2200 साल पहले जब लोगों ने पत्थर जब दान देते, हर एक दान दाताओं के नाम लिखे हुए थे, सेंट्रल इंडिया के कुछ राजाओं ने, कुछ व्यापारियों ने, कुछ लोकल पब्लिक ने, जब इन पत्थर जब दान देते हर एक दान दाताओं के नाम लिखे थे, सारे के सारे दान दाता बिल्कुल अलग टाइम के लोगों ने स्टोन को दान दिए थे। मतलब साचिस्तु किसी एक राजा ने नहीं बनवाया है ना मैम, अलग जब राजवंश के जब राजा, जब भाई मौर्य काल, शुंग काल, प्रतिहार काल, गुप्त काल, परमार काल, हर्षवर्धन काल है ना, ये सारे किसी राजा ने स्तूप बनवाए, किसी राजा गेट बनवाए, किसी राजा टेम्पल बनवाए, किसी राजा मॉनेस्ट्री बनवाई, किसी राजा पिलर बनवाए। तो सांची स्तूप जो कि 2 या 3 मतलब 3rd century BC से लेकर 12th century AD तक जब अलग जब डायनेस्टी जब आई अपनी चीज़ों को ऐड करके चले गए, पर उसके बाद का जो समय 12th century AD to 17th century AD तक धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पूरे जंगल से कवर हो चुका था, पूरा फॉरेस्ट से, जैसे कि यू नो दैट अजंता गुफाएं पूरे फॉरेस्ट से कवर हो चुकी थी, खजुराहो के मंदिर खजूर के पेड़ों में कवर हो चुके थे, सांची पूरा जंगल से कवर था। तो इसकी जो खोज की थी ब्रिटिश पंजाब थे कैप्टन टेलर, तो सन 1818 में इसकी खोज की थी, तभी पुनः प्रकाश सांची स्तूप। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश पंजाब यहाँ पे जब आए थे काम किए, जब खुदाई जब की गई थी, तो वहाँ पे प्राचीन समय की मूर्तियाँ मिली, प्राचीन समय बर्तन मिले, जो कि तमाम कलेक्शंस को नीचे सांची म्यूजियम में रखा गया। तेरे मूर्ति बनी 1500 साल प्राचीन, चार तो पिलर थे, पिलर की छतें थी, इसके छतें जंगल से कवर होने के कारण मूर्ति ने जो कि नेचुरल डैमेज हुई है ना, पर यहाँ पे किसी पर मुगलों ने अटैक नहीं किया, मुगल जो अटैक करते तो हम 2100 साल जो प्राचीन गेट देख रहे हैं, तो गेट को हमको देखने को नहीं मिलते। इन एलिफेंट में ओरिजिनल हाथी के दांत भी लगे हुए थे, पर समय के अनुसार इसके दांत निकल चुके हैं और टूट चुके हैं। आइए मैम इस तरह अब यहाँ पर जैसे कि हम घर बनाते, घर किससे बनाते हैं, रेत और सीमेंट से, सीमेंट से। तो जमाने में नेचुरल प्लास्टर बनाकर पत्थरों की जुड़ाई करने के लिए बेल पत्र, बेलकरस, गुड़, मेथी, चने की दाल, भिंडी, बतासे, उड़द,
चूना पत्थर गोंद ईंटों की राख हनी सुर्खी ऐसे नेचुरल प्लास्टर्स बनाए थे दूसरे से पत्थरों की जुड़ाई की गई है। तो ब्रिटिश ने उन्हें होल भी इसलिए किए थे जब बारिश होगी तो बारिश का पानी थोड़ा वो पानी सीपेज होकर पानी बाहर निकल आएगा जिससे स्तूप सुरक्षित और प्रोटेक्ट रहे। इधर से बाहर जाने का। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मूर्ति बनी कब की 1500 साल प्राचीन, मतलब गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पहले है ना। और उन कलाकारों ने एक्चुअली गौतम बुद्ध देखा नहीं था, उन्होंने देखा काल्पनिक तरीके से बुद्ध के स्माइलिंग फेस बना के बुद्ध स्माइलिंग कर रहा है, बालों के हेयर स्टाइल कर ली हेयर स्टाइल, बुद्ध चीवर पहने हुए पीछे से बोलते ओरा राइट एंड लेफ्ट साइड देखो डोर के गंगा और यमुना, फिर देखो बैक साइड एंजल्स। तो इन मूर्ति जो कि अलग फॉर्म होते हैं ललित आसन गरुण आसन पद्मासन ध्यान मुद्रा भूमि इस प्रजो के ऊपर जनते लोग गुफा में भी ऊपर फॉर्म में हमको मूर्ति हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखते हैं आज से 2000 साल पहले